बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिव्य सज्जनों, कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप पुष्प गुच्छ से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि आप विंध्य क्षेत्र की पहचान सुपारी आर्ट से बनी कलाकृति से माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में अभिनंदन करें। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से विनम्र आग्रह के आप कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया ससम्मान आप आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सांस्कृतिक प्रस्तुति से। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के शुभ अवसर एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ आगमन पर संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन आपके समक्ष एक संदेश नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है। नदियां, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें संभाल कर धरती माँ की अपने किसान पुत्रों से प्राकृतिक खेती के लिए एक ममतामयी गुहार। आइए देखते हैं और समझते हैं लघु नाटिका जिसका नाम है धरती कहे पुकार की। बिना रुके, बिना थके, आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सबके कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं
तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांतिः, अंतरिक्षः शांतिः, पृथ्वीः शांतिः, ओषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, ओम शांतिः, शांतिः, शांतिः। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें सवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है, और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच के पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो विंध्य की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, भारत की बेटी हो। आओ, तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने विंध्य के सभी जनन का केवल इतने कहे चाहे थे कि प्राकृतिक खेती या समय के मांग बन चुकी है। प्राकृतिक खेती या उद्देश्य के साथ होत है कि जौने जमीन और हमरे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसा व्यवहार करे चाहिए। हम अपना से आने वाली पीढ़ी की तरफ से या विषय का ध्यान दे के सुने और देखे के विनती करी थी। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता, जब से जैविक खाद को छोड़ा खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ, और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो, ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है, पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान,
तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपने सुना और समझा कि धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य केवल एक, बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक। इस माला को यानी इस लघु नाटिका को जिन कलाकारों ने पिरोया है उनके नाम हैं तनिष्का हतवलने भोपाल से, जिन्होंने धरती माँ का रूप धरा, विंध्य की बेटी सीधी से मान्या पांडे, कलांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप के डांस कलाकार, म्यूजिक कंपोजर श्री मिलिंद त्रिवेदी, इस नाटक को लिखा श्री नदीम खान ने एवं इसका निर्देशन किया श्री एन के पंत और श्री नदीम खान ने। आदरणीय देवियों सज्जनों, अब उद्बोधनों की शुरुआत स्वागत उद्बोधन से। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप स्वागत उद्बोधन दें। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने पंचायती राज दिवस के अवसर पर आकर के पूरे ग्रामीण वासियों को आपने एक उत्साह बढ़ाने का काम किया है। हमारे सहयोगी मंत्री ने तो इतना तक कहा कि आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुए कभी हॉल से बाहर आकर के गांव में पंचायतों का कभी इस ढंग से रूबरू नहीं हुए। ये बताता है कि आपका पंचायत से, गांव से, गरीब से, किसान से कितना लगाव है। और इस मंचन ने तो एक एक लोगों का दिल जीत लिया कि गांव के किसानों के लिए आप कितना भीतर से आपके अंदर जो कष्ट है उसको यहां मंचन करके कलाकारों ने दिखाया। आज इस मंच पर इस राज्य के जो यशस्वी मुख्यमंत्री मानवर शिवराज सिंह चौहान जी, इस राज्य के राज्यपाल महोदय मानवर पटेल साहब, केंद्र सरकार में हमारे सहयोगी मानवर फगन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद पटेल जी, हमारे पंचायती राज मंत्री भाई कपिल मुनेश्वर पाटिल जी, मंच पर आसीन सभी महानुभाव मित्रों, मैं बहुत कुछ नहीं कहने के लिए यहां आया हूं,
लेकिन दो शब्द कहना चाहूंगा। जब से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसी ढेर सारी प्रेरणा देने का काम किया है, जिसके कारण आज गांव में रहने वाले लोगों को, आज आप कह रहे थे पंचायती राज की ओर से जो हम अवार्ड देते हैं, पहले राज्यों से आता था प्रधानमंत्री जी, अब थीम बेस ग्राम में हमने न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल गांव वाले को हमने इस बार राष्ट्रपति महोदय के हाथों से, महोदया के हाथों से हमने देने का काम किया। केवल कार्बन न्यूट्रल नहीं, बल्कि आज समावेशी विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम टीबी मुक्त भारत के लिए पंचायतों को प्रेरित करने का उनको लक्ष्य दिया है। आगे जो हम अवार्ड देंगे उसमें उसको भी रखेंगे। कार्बन न्यूट्रल के साथ साथ पानी युक्त गांव हो। आज आपने देखा होगा अमृत सरोवर की बात, इसी ढंग से हमने ग्रीन विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है, ग्रीन पंचायत का। ग्रीन पंचायत का केवल हरा भरा नहीं, बल्कि खेतों के अंदर प्राकृतिक खेती हो, खादों को हम उससे हटाएं, ग्रीन पंचायत हम बनाएं। लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती से मैं गांव को बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कि जब आप आए, लोगों ने गांव की बात की, गरीब की बात की, मुझे कहने में झिझक नहीं है, इंदिरा आवास का नाम हम 29 वर्ष से गरीबों के मुख से सुनते रहे, मेरा घर कब होगा। लेकिन 29 साल में केवल 3.25 करोड़ घरों से ज्यादा नहीं बना, आपने तो 8 साल में केवल ग्रामीण 3.5 करोड़ घरों को बनाने का काम किया है। ये एक अपने आप में, जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज गांव में नरेगा जिसकी चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश में, इस देश में नरेगा का 33,000 करोड़ केवल बजट होता था, केवल 2,13,000 करोड़ अब तक खर्च हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कभी रुका नहीं, कभी किसी की 6,00,000 करोड़ से ज्यादा मनरेगा में खर्च करने का काम किया। केवल मध्य प्रदेश में 21,000 करोड़ मिला था, जो यूपीए सरकार मनरेगा का नोडल बन करके घूमते हैं सदन से लेके सड़क तक, लेकिन आपके नेतृत्व में 45,000 करोड़ मध्य प्रदेश को देने का काम किया है। आज उसी गांव में जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना का स्कीम लाया है, ये लाडली बहना कोई छूटे ना मुख्यमंत्री जी के स्कीम से, लेकिन समूह की दीदियों को प्रधानमंत्री की प्रेरणा से लाखपति दीदी बनाने का काम भारत सरकार ने शुरू की है। ये भी जब प्रधानमंत्री जी आप आए थे उसके पहले केवल 6,00,000 यहां दीदियां थी, आज लगभग 53,00,000 दीदियां हैं। प्रधानमंत्री आवास केवल 6,00,000 मिला था, आपने तो 40,00,000 आवास मध्य प्रदेश के गरीबों को देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी पहले पंचायती राज व्यवस्था में 50 रुपया 100 रुपया प्रति व्यक्ति दी जाती थी, आज आप 700 रुपया प्रति व्यक्ति विकास के लिए दे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है पंचायती राज का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय गिरिराज सिंह जी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप आएं और मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और बिंद की धरा पर पधारे हुए हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेके पधारे हुए और एक मार्मिक संदेश धरती कहे पुकार के का संदेश देने पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, राज्य मंत्री आदरणीय कपिल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बिसाहू जी, महेंद्र जी, रामखिलावन जी, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णु दत्त जी, सांसद साथीगण जनार्दन जी, गणेश जी, रीति जी, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं, उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में रीवा बदल गया है। आज देखिए रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें, कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था, लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहाँ लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध वालों प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे और विंध की धरा वालों केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी रहे, नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बाण सागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है, किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो हुई है कि नहीं? आज गांव गांव में 4-व्हीलर हमारे हैं और कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। रीवा में चमत्कार हुआ, 750 मेगावाट का हमारा सोलर पावर प्लांट लगा। अभी भाई गिरिराज जी बता रहे थे गरीबों के घर उस जमाने में तो इक्का दुक्का आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 40 लाख घर तो दिए ग्रामीण क्षेत्र को, लेकिन 10 लाख घर शहरी क्षेत्र को भी दिए। लगभग 50 लाख मकान गरीबों को देने वाले प्रधानमंत्री आए हैं।
हम तेजी से मकान पूरा कर रहे हैं, बनाने का काम पूरा कर रहे हैं। 4,11,000 घरों में आज गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं सरपंच भाइयों बहनों, जब पुरानी सरकार थी सवा महीने के लिए आ गई थी, प्रधानमंत्री जी ने घर भेजे थे, लेकिन उस सरकार ने घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। ये पाप और अपराध उस समय की सरकार ने किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? सरपंच जी बता दें किया था कि नहीं? तुम्हारा क्या जाता था? गरीबों के घर बन रहे थे, मोदी जी घर भेज रहे थे, तुमने बने बनाए घर, जो घर बनते उनका पैसा तुमने वापस लौटाया। आज प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन की सौगात देने आए हैं। मेरी प्रिय बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो बाण सागर से, गुलाब सागर से पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गघरा भर जाएगा, हैंडपंप की खटर पटर बंद। 7,800 करोड़ रुपए की उसके पहले की भी योजनाएं हमारी बन रही है। लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूं 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जल जीवन मिशन के पैसा भेजे थे, कांग्रेस की सरकार ने लौटा दिए कि हमें घर घर पानी नहीं देना। ये पाप भी तत्कालीन सरकार ने किया था। 14 वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को नहीं दिया गया था। स्वामित्व का जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, हर घर अब आपका स्वामित्व होगा, उसका अधिकार पत्र सौंपने प्रधानमंत्री जी आए हैं। 73,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें, स्वच्छता का अभियान चलाया। मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता में भी पहले नंबर पे आया और ग्रामीण में भी पश्चिम जोन में हम पहले नंबर पे आए। उन्होंने कहा भर्ती का अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में 1,14,000 भर्तियां हो रही है, 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली शिक्षकों को आशीर्वाद दिया था। एक नहीं, ऐसे अनेकों अभियान चल रहे हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल एक बात आज कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं, और वो हम सबसे मन की बात करते हैं। मन की बात सबको पता है ना, मन की बात का? अरे जोर से बताओ, पता है? तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां संस्करण आने, 100वां एपिसोड, मतलब 100वीं बार प्रधानमंत्री जी हमसे मन की बात करेंगे। मन की बात हमें प्रेरणा देती है, हमें राह दिखाती है, अच्छे कामों को सामने लाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना, मन की बात घर के कमरे में बैठ के नहीं सुनना है, जहां व्यवस्था है मैदान में वहां सुनना है। ठीक 11 बजे, 11:45 बजे हम टीवी सेट के सामने बैठेंगे और ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री जी फिर मन की बात कह के, मन की बात हमसे करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आप सब सुनने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं, हर जगह व्यवस्था की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और प्रशासन भी सारी व्यवस्था कर रहा है, मन की बात जरूर सुने। याद रखिए 30 तारीख को 11:45 बजे। बोलिए सब सुनेंगे, जोर से बताइए सब सुनेंगे। और अंत में धरती कहे पुकार के जो संदेश दिया है, ये प्रधानमंत्री जी के दिल की तड़फन है, ये एक महामानव का सोच है। मित्रों, किस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक रहने दें। मध्य प्रदेश में अभी 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री जी का संदेश देश को बचाने का है, धरती को बचाने का है, वन्य प्राणियों को, कीट पतंगों को, सबको बचाने का है, सबको जीने का हक है। इसलिए आइए उनके बचाए हुए इस मार्ग पर चलने का भी किसान संकल्प लें। 5 संकल्प, 1 बिजली बचाएं, 2 पानी बचाएं, 3 पेड़ लगाएं, 4 प्राकृतिक खेती करें, और एक और
प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की, मेरे प्रिय पंचायती राज के बहनों और भाइयों और आम जन से भी मैं कहता हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपने प्रदेश को भी बनाएं और दुनिया को भी बचाने में अपना योगदान दें। बोलो सब तैयार हैं? जोर से सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब संकल्प लेंगे कि प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चल के हम अपने प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांध लीजिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में मददगार, स्थानीय उद्यमिता को आगे बढ़ाने वाला, असंख्य संभावनाओं का पारदर्शी और सुगम समाधान है ई ग्राम स्वराज जैम एकीकृत पोर्टल। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से ई ग्राम स्वराज तथा जैम के एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करें। वर्ष 2016 में GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की शुरुआत कर भारत सरकार ने एक ऐसे सरकारी ई बाजार का गठन किया जहां से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके। इस ई बाजार में छोटे से छोटे दुकानदार अपने उत्पादों को सरकार को बेच सकते हैं और आज लगभग 60 लाख विक्रेता GEM पोर्टल पर पंजीकृत होकर अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान या सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। पंचायत शासन का तीसरा एवं महत्वपूर्ण स्तर है। वर्ष 2014 के बाद से पंचायतों को हस्तांतरित धनराशि में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके प्रबंधन के लिए वर्ष 2020 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल की उत्पत्ति हुई। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। पिछले साल पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों यानी LSDG की रूपरेखा के अंतर्गत पंचायतों को LSDG आधारित संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस संकल्प प्राप्ति के लिए सेवाओं या वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक था, इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज और GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के बीच ये इंटरफेस तैयार किया है। GEM पर पंजीकरण कर पंचायतें गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही गांव के छोटे विक्रेता इस अभूतपूर्व अवसर का लाभ उठाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। आइए साथ मिलकर हम सब द्वारा देखे गए डिजिटल इंडिया के सपने को और सुदृढ़ करें, क्योंकि सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। देश आजादी का अमृत महोत्सव पर्व अगस्त 2023 तक हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस वर्ष अमृत महोत्सव में 9 नई थीम्स जोड़ी जा रही हैं। इनमें से एक थीम है समावेशी विकास। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में इस विषय के अंतर्गत 9 अभियानों को सम्मिलित किया गया है जिनका आज सामूहिक शुभारंभ किया जा रहा है। इन अभियानों की मॉनिटरिंग के लिए एक वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप समावेशी विकास के लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन। महोदय कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास अभियानों का शुभारंभ करेंगे। Thank you.
प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास व 75 साल की आजादी में प्रगति के जश्न का जनता को समर्पित राष्ट्रीय उल्लास जोश व स्वाभिमान का पर्व जो अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके इस जन आंदोलन को और प्रोत्साहन देना है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंच प्रण के अंतर्गत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास पर बल दिया गया है जो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास अवधारणा पर केंद्रित है जो समानांतर अवसरों को बढ़ावा देता है और जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में समावेशी विकास के तहत सब ग्रामीण भारतीयों की हिस्सेदारी के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित अवसर व लाभ देने वाली बुनियादी जरूरतों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए 9 अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं और इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग व पंचायती राज मंत्रालय सहयोगी मंत्रालय है। अपनी जिम्मेदारी को उत्साह के साथ निभाते हुए व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास ही वास्तविक विश्वास की परिकल्पना से प्रेरित होकर चलाए जा रहे इन 9 अभियानों की विशेषताओं को लोगों के साथ साझा करने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सरल वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप समावेशी विकास का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप न केवल प्रत्येक अभियान के तहत प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि भारत के नागरिकों को इन अभियानों के बारे में अपने अनुभव और राय साझा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इस वेबसाइट में अभियान बटन पर क्लिक करके कोई भी प्रत्येक अभियान की प्रगति देख सकता है और कैलेंडर पर जाकर देश में कहीं भी होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जान सकता है। इस वेबसाइट में प्रत्येक अभियान से संबंधित फोटो या वीडियो देखे जा सकते हैं। कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपने विचार साझा कर सकता है। आइए इस अमृत काल में देश को विकास की ओर ले जाने वाले कुछ समावेशी प्रयासों में खुद को जोड़े और माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास में खुद को शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मध्य प्रदेश में बेहतर होती रेल सुविधाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप हरी झंडी दिखाकर 3 नई रेलगाड़ियों को रवाना करें। 3 नई रेलगाड़ियां हैं रीवा इतवारी वाया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर और नैनपुर छिंदवाड़ा। तीनों ही जगह से हम सीधे जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से रेलगाड़ियों को रवाना कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तीनों ही स्थानों पर अलग अलग ट्रैक हैं। सभी सजी सवरी रेलगाड़ियां नए यात्रियों के साथ इसी समय रवाना हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ रिमोट के माध्यम से करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह।
देश प्रदेश में रेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण, मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण, ग्वालियर स्टेशन के नव निर्माण कार्यों तथा रेलवे की अन्य विकास गतिविधियों को आइए देखते हैं एक लघु फिल्म के जरिए। तेजी से विकसित होते और नित बदलते भारत की मिसाल बनकर उभरी है भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर हिस्से में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। रेलवे भी इन 9 वर्षों में आधुनिक, तेज, सुरक्षित और नवीन हुई है। नए भारत की नई रेलवे आज समग्र बदलावों के साथ जन जन की रेलवे बनकर उभरी है। हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बेहतर नहीं किया बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया। ये सुधार क्वालिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है, स्वच्छता में हुआ है। देश भर में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार आज स्पष्ट दिखता है। गरीब और मध्यम वर्ग को भी आज वही माहौल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुंच में ही होता था। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रेलवे परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इसी क्रम में 2300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बिरला नगर से उदी मोड़ तक 103 किलोमीटर और महोबा खजुराहो उदयपुरा रेल खंड पर 196 किलोमीटर के विद्युतीकरण से ग्वालियर और इटावा स्टेशनों के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेनों और फ्रेट ट्रेनों दोनों की रफ्तार बढ़ेगी, पर्यटकों को आसानी होगी। विद्युतीकरण हो जाने से अब इस खंड पर ट्रैक्शन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, डीजल की बचत होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट 183 किलोमीटर गेज परिवर्तन सहित विद्युतीकरण से आवागमन सुगम होगा और ट्रेनों का संचालन बढ़ेगा। इस रेल खंड में स्थित छिंदवाड़ा स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है जो पचमढ़ी, पातालकोट तथा पेच राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन स्थल को जोड़ता है। इस खंड के ब्रॉड गेज होने से पर्यटकों की यात्रा तेज और सुगम होगी और मंडला जिले के आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक तरक्की के नए अवसर बनेंगे। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। हरित रेलवे के विजन के साथ वर्ष 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो संकल्प लिया गया है उसकी सिद्धि में ये कार्य अहम साबित होगा। आज ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रारंभ हो रहा है। यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे ताकि यात्रियों को सुविधा हो। साथ ही होंगी पार्किंग की सुविधा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, विशाल रूफ प्लाजा और प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, सीढ़ी, स्काई वॉक से जुड़े प्लेटफॉर्म और दिव्यांग जन के अनुकूल सुविधाएं। साथ ही आज छिंदवाड़ा से नैनपुर और रीवा से इतवारी के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत भी की जा रही है, जिससे छिंदवाड़ा नैनपुर और रीवा इतवारी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एवं व्यापार की असीम संभावनाओं को गति मिलेगी और रोजगार के साधन बढ़ेंगे, जिससे ये संपूर्ण क्षेत्र सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। आधुनिक विकास के लक्ष्य के साथ इन रेलवे परियोजनाओं से कृषि, उद्योग और पर्यटन जैसे अहम सेक्टर को विशेष बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पूरे क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति को गति मिलेगी और भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश और तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जल जीवन मिशन के तहत रीवा संभाग के रीवा, सीधी तथा सतना जिलों के 4036 ग्रामों के निवासियों को लाभान्वित करने वाली 7853 करोड़ रुपए की समूह जल प्रदाय योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि कृपया आप अपने कर कमलों से रिमोट के ही माध्यम से 4,11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाखों लाभार्थियों का उनके अपने घरों में गृह प्रवेश कराया है। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन परिवारों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है जो संसाधनों के अभाव में अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। आवासियों के स्वयं के पक्के मकान का सपना पूरा करने प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिससे हर गरीब परिवार अब पक्की छत के नीचे खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। प्रधानमंत्री जी के सबको पक्का मकान के संकल्प को साकार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक 38 लाख से अधिक स्वीकृत